So we will talk about controlled breeding experiments. Controlled breeding experiments. Basically, अभी तक हमने ये देखा था कि superior male और superior female को हम select करेंगे, जब उनकी mating होगी तो जो next generation हमें मिलेगी it will have both the characters, या फिर हम बोलेंगे it will have the characters of both the parents, ठीक है? तो जो desirable characters हम चाहते थे उनको obtain करने के लिए हमने क्या करवाया था, हमने breeding करवाई थी. अभी तक हमने inbreeding और outbreeding पढ़ लिया, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो ये controlled breeding है इसका मतलब ये है कि artificial insemination की मदद से, artificial इंसेमिनेशन की मदद से ये हम डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हम ऑब्टेन करना चाहते हैं, फीमेल कौन सी होनी चाहिए या फिर मेल कौन सा होना चाहिए, ठीक है? तो विच टेक्निक इज यूज इन कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं जो कि हम किसी भी ब्रीड में ऑब्टेन करना चाहते हैं, हम खुद से यानी कि आर्टिफिशियली मेल गैमेट्स के स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो न्यू प्रोडक्ट हमें मिलेगा, उसमें हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो, ठीक है? लेकिन मान लीजिए कोई फीमेल रिसेंटली हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेल के वो कैरेक्टर्स यानी कि मेल गैमेट्स स्पर्म्स हमारे पास अवेलेबल है जो कि हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे, अगर हम ये जानते हैं कि जो फीमेल है वो 3 दिन के बाद अवेलेबल होगी, वो फीमेल 3 दिन के बाद अवेलेबल होगी, लेकिन 3 दिन तक ये स्पर्म्स तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे अगर आप इनको रूम टेम्परेचर पे रखोगे, राइट? व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टोर देम, हम इन स्पर्म्स को -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करेंगे. वैसे ये टर्म आपने पॉलन ग्रेन्स के लिए पढ़ी होगी, तो बेसिकली एग्जैक्टली इतने ही टेम्परेचर पर करें या ना करें हम बिल्कुल चिल्ड आइस पे रखते हैं, हम स्पर्म्स को बहुत ही ज्यादा लोअर टेम्परेचर की कंडीशंस पर रखेंगे. और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो स्पर्म्स की वायबिलिटी है यानी कि एग के साथ फर्टिलाइज करने की क्षमता वो खत्म ना हो, है ना? तो हमने क्या किया, हमने स्टोर करके रख लिया. बेसिकली इसकी जगह पर आप यहाँ पर लिख लीजिए फ्रीज कर दिया जाता है स्पर्म्स को. फ्रीज करने का रीजन क्या है, उनकी वायबिलिटी को मेंटेन रखना. और जब हमें ये फीमेल अवेलेबल हो जाएगी इन स्पर्म्स को आर्टिफिशियली उन फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा. सो दिस इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. इस प्रोसेस के अंदर हम मेल गैमेट्स को आर्टिफिशियली फीमेल की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसके रिजल्ट में जो फर्टिलाइजेशन होगी हमारा डिजायरेबल जो प्रोडक्ट होगा वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा यानी कि हमें मिल जाएगा, ठीक है? अदर देन दिस एक मेथड है जिसको कहा जाता है मोइट. इसका मतलब है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो मल्टीपल ओव्यूलेशन का मतलब क्या है? सी, ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी. जब भी ओवरी में से एग रिलीज होगा तो उसको हम ओव्यूलेशन बोलेंगे. लेकिन यहां पर लिखा हुआ है मल्टीपल ओव्यूलेशन, इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें एक एग नहीं बल्कि बहुत सारे एग्स रिलीज होंगे, राइट? लेकिन ये कैसे रिलीज होंगे? जनरली हम इसको कैटल के लिए ये जो पूरी टेक्निक हम पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, है ना, या फिर मोइट, इनको हम कैटल के लिए यूज करते हैं. अदरवाइज शीप, रैट, है ना, बफेलो वगैरह, इन सब के लिए यूज किया जाता है ये. अब यहाँ पर जो मोइट है इसमें मल्टीपल ओव्यूलेशन का मतलब है इंस्टेड ऑफ वन एग, इंस्टेड ऑफ वन एग मैनी एग्स आर रिलीज्ड.
मैनी एग्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, लेकिन इन मल्टीपल ओव्यूलेशन को करवाने के लिए किसी ना किसी केमिकल की जरूरत होगी एंड हम क्या करेंगे, कैटल के अंदर FSH लाइक एक्टिविटी, FSH लाइक एक्टिविटी परफॉर्मिंग हॉर्मोन्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और ये जो हॉर्मोन होते हैं वो फॉलिकुलर मैच्यूरेशन करवाते हैं, फॉलिकुलर मैच्यूरेशन एंड ओव्यूलेशन, फॉलिकुलर मैच्यूरेशन एंड ओव्यूलेशन। तो क्या मिलेगा हमें उसके रिजल्ट में, जब हम FSH लाइक एक्टिविटी परफॉर्मिंग हॉर्मोन्स को काओ के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके अंदर ये होगा कि हर महीने जो एक एग रिलीज हुआ करता था या फिर हर साइकिल में जो एक एग रिलीज हुआ करता था, इस बार वो एक नहीं होगा क्योंकि हमने ये हार्मोन उनके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है, इसीलिए इस बार बहुत सारे एग्स उनके अंदर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो जिस फीमेल के अंदर हमने इस हार्मोन को इंट्रोड्यूस किया था उस काओ को जेनेटिक मदर कहा जाता है। क्या कहते हैं, जेनेटिक मदर। तो यहां पर एक की जगह पर बहुत सारे एग रिलीज हुए हैं, इसीलिए दिस इज कॉल्ड सुपर ओव्यूलेशन, सुपर ओव्यूलेशन। और इस सुपर ओव्यूलेशन के रिजल्ट में 6 से 8 एग्स हमें मिल जाते हैं, 6 to 8 एग्स हमें मिल गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो काउ जो कि जेनेटिक मदर कहलाती है, जिसके अंदर 6 से 8 अंडे रिलीज हो चुके हैं, या तो हम उसको किसी एलाइड बुल के साथ मेटिंग करने के लिए छोड़ेंगे, अदरवाइज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक का यूज करके किसी सुपीरियर बुल से स्पर्म्स लेंगे और कहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे, जेनेटिक मदर के अंदर। और जैसे ही स्पर्म्स जेनेटिक मदर के अंदर जाएंगे तो वो जो 6 to 8 एग्स प्रेजेंट थे, नाउ दीज एग्स विल बी फर्टिलाइज्ड। अब वो एग्स क्या हो जाएंगे, fertilized, तो these fertilized eggs or zygote, these fertilized eggs or zygotes, non-surgically remove कर लिए जाते हैं genetic mother की body से। अब ये 6 से 8 अंडे थे, sperms आने से fertilized हो गए हैं, now these are zygotes or fertilized eggs, infertilized eggs को non-surgically जेनेटिक मदर की बॉडी से निकाला जाएगा और किसी दूसरी काउ के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, जिस काउ को कहा जाता है सरोगेट मदर। क्या बोलेंगे, सरोगेट मदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी मॉइट टेक्नोलॉजी का यूज हम करेंगे तो फिर एक काफ यानी कि एक बछड़े की फॉर्मेशन के लिए या प्रोडक्शन के लिए 2 मदर की जरूरत होती है। One is the genetic mother, जिसका genetic material present है, involved है fertilization में, and another is the surrogate mother, जो कि एक appropriate time period के लिए, यानी कि gestation period तक, infertilized eggs को अपनी body के अंदर रखेगी। तो समझ में आया, 2 mothers कौन-कौन सी थी, surrogate mother थी और genetic mother। genetic mother क्यों बोला, क्योंकि genetic material तो इन्हीं का था जिसके अंदर हमने FSH लाइक एक्टिविटी परफॉर्मिंग हार्मोन को इंट्रोड्यूस किया। क्यों किया था, फॉलिकुलर मैच्योरेशन और ओव्यूलेशन के लिए। कितने एग रिलीज हुए, 6 to 10, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इनको नॉन सर्जिकली फर्टिलाइजेशन के बाद नॉन सर्जिकली रिमूव किया, सरोगेट मदर के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉइट।